आप देख रहे हैं ई टीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। मोदी सरकार ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इससे पहले इसी साल बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की जा चुकी है। विपक्षी पार्टियों ने नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद उनके पोते और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, इस घोषणा ने दिल जीत लिया। उनकी इस टिप्पणी के बाद मीडिया रिपोर्ट में चर्चा है कि आरएलडी एनडीए का हिस्सा बन सकता है। जन्म से ओबीसी ना होने वाले बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ सकती है। इसको लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राहुल गांधी को नोटिस जारी करने पर विचार कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने देश का आर्थिक रूप से सत्यानाश कर दिया था। हल्द्वानी बनभुलपुरा बवाल पर देश की नजर है। खुद सीएम धामी हल्द्वानी बनभुलपुरा मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। आज शाम सीएम धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम धामी ने हल्द्वानी हालातों का जायजा लिया। पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के बाद वहां पर किसकी सरकार बनेगी, अभी तक यह तय नहीं हुआ है। चुनाव परिणाम में इमरान खान की पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने बड़ी जीत हासिल की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क केएससी 100 इंडेक्स आज 1700 अंक टूट गया और पाकिस्तानी शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल नई सरकार पर स्थिति साफ न होने की वजह से पड़ोसी देश का शेयर बाजार आज सुबह खुलते ही क्रैश करता दिखा। महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर से अयोध्या स्थित राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुँचे। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें। अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।